तो गाइज आइए बिग बॉस सीजन 18 के पहले 5 कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स देख लेते हैं। लेकिन जब तक बिग बॉस का प्रीमियर डेट नहीं आ जाती होती, वो दिन जब तक एक्चुअल में नहीं आ जाता होता, कुछ भी हो सकता होता है आखिरी मोमेंट तक। कई बार कई जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बैकआउट भी कर जाते होते हैं। इस करके सिर्फ इस चीज़ करके मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारे कंटेस्टेंट्स को 99% समझ कर चलिए और 100% समझ कर मत चलना। वैसे तो कन्फर्म्ड ही हैं बट स्टिल कुछ भी हो सकता होता है लास्ट मोमेंट पे। पहली जो कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट है ऑलमोस्ट वो है निया शर्मा। तो गाइस निया शर्मा को करेंटली कलर्स के 2 सीरियल्स में देखा जा रहा है। एक तो है सुहागन चुड़ैल जो कि एक डेली फिक्शनल सीरियल है जो कि जल्दी बंद होने वाला है, यानी कि बंद हो चुका, वैसे तो रैप अप हो चुका, लेकिन लास्ट एपिसोड में दम जल्द देखने को मिलेगा। ऑल्सो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में भी हमें ये देखने को मिलती है। सेकंड जो कंटेस्टेंट है वो है देव चंद्रीमा सिंघा रॉय। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देव चंद्रीमा भी सुहागन चुड़ैल में ही निया शर्मा के साथ उनकी को लीड थी। तो यहाँ पर एक ही सीरियल सुहागन चुड़ैल जो कि कलर्स टीवी का ही सीरियल है, उसी की दोनों फीमेल जो है वो बिग बॉस 18 में हमें नजर आने वाली है। तो जो भी लोग ये सीरियल के फैंस थे उनको डेफिनेटली काफी मजा आने वाला है बिग बॉस का अपकमिंग सीजन 18 देखने में, जहां पर ये दोनों एक्ट्रेसेस हमें फिर से एक साथ नजर आएंगी। तीसरे जो कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट हैं वो है ऋत्विक धनजानी। तो गाइज ऋत्विक को हम काफ़ी अलग अलग टीवी शोज़ में देख ही चुके हैं, एंड भले ही रियलिटी शोज़ हों या फिर फिक्शनल सीरियल्स हों, एंड गाइज इनको भी कई बार ऑफर जा चुका है इसका। लेकिन इस बार ऋत्विक धनजानी जो है एडवांस्ड फाइनल टॉक्स में है, डिस्कशंस में है और 99% लॉक्ड हैं बिग बॉस 18 के लिए। अगले जो कंटेस्टेंट हैं वो है शोएब इब्राहिम। तो हर साल इनके रूमर्स वगैरह आते हैं शो में जाने के, बिकॉज हर साल इनको ऑफर भी जाता है। इनकी वाइफ तो दीपिका कक्कर जीत भी चुकी हैं बिग बॉस का एक सीज़न, तो इस बार के सीज़न में शोएब खुद एंटर करने जा रहे हैं और देखते हैं ये क्या जीतेंगे या फिर इतना आगे जा सकते हैं या फिर नहीं। अगले जो कंटेस्टेंट हैं वो हैं धीरज धोपर, जिन्हें हम कुंडली भाग्य, सौभाग्यवती भव, अरब से दुआ जैसे कई टीवी सीरियल से जानते हैं। तो गाइज ये भी बड़े बड़े टीवी स्टार्स में से ही एक है, एंड इनको भी कई बार मल्टीपल टाइम्स ऑफर गए हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस 18 करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी दिन पहले मैंने भी आपको बताया था कि धीरज धोपर ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड चल रहे हैं। तो गाइज ये हैं 5वें कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट। तो गाइज ये 5 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि वैसे तो कन्फर्म्ड हैं, लेकिन एज ऑलवेज मैं कहूँगा 99% मान के चलो, बिकॉज बिग बॉस के जो लास्ट डेट है वहाँ तक कुछ भी हो सकता होता है। वैसे मुझे तो ये जो 5 कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स हैं काफ़ी सही लगे, बिकॉज सारे ही टीवी सेलेब्स हैं और मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग लिस्ट है अभी ये 5 लोगों की। लेकिन मेन चीज़ ये है, मैं चाहता हूँ कि बाकी के भी जो कंटेस्टेंट्स रहेंगे वो भी ऐसे ही बढ़िया लिया जाए, वो भी इसी टाइप के लिए जाएँ। अगर सच में ऐसे ही दमदार और कंटेस्टेंट्स भी होंगे तो मज़ा आएगा सीज़न में। कॉमेंट से हमने राय बताइएगा। बिग बॉस 18 के बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।